विश्व की सारी शक्तियां फिजिक्स में समाती है, फिर भी फिजिक्स सबको समझ में आती है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। कहता है नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य भागों का वर्णन करें। आंसर हमारा कहता है नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य भाग निम्नलिखित है। नंबर पहला में हमारा है ईंधन। कहता है ईंधन रिएक्टर का मुख्य भाग होता है, यही वह पदार्थ है जिससे विखंडन किया जाता है। इसके लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। कहता है ईंधन में हमारा कि ईंधन नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य भाग होता है, यही वह पदार्थ होता है जिससे विखंडन किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा में हमारा कहता है मंदक। कहता है मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना है। इसके लिए भारी जल ग्रेफाइट अथवा बेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है। दूसरे नंबर हमारा कहता है कि मंदक जो है हमारा वह न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। इसके लिए भारी जल ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में हमारा भारी जल ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इन सब में कहता है भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है। तीसरे नंबर में कहता है शीतलक। कहता है विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। इस ऊष्मा को भाप बनाने के काम में लाया जाता है जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। तीसरा हमारा कहता है शीतलक में कि विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। इस ऊष्मा को भाप बनाने के काम में लाया जाता है जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। नंबर चौथा कथा हमारा परिरक्षक। नाभिकीय रिएक्टर में कई प्रकार की तीव्र किरणें निकलती है, उसकी हानि से बचाने के लिए रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है। पांचवा नंबर हमारा कहता है नियंत्रक। नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इसके लिए कैडमियम के क्षार का उपयोग किया जाता है। कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। रिएक्टर की दीवार में इन क्षारों को रखकर अथवा तथा आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर खिसकाकर विखंडन की गति को कम अथवा अधिक की जाती है। पांचवा नंबर कहता है नियंत्रक में कि नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इसके लिए कैडमियम का क्षार का उपयोग किया जाता है। कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। रिएक्टर की दीवार में इन क्षारों को रखकर तथा आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर खिसकाकर विखंडन की गति को कम अथवा अधिक किया जाता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।